हाय देयर, आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 23 से लेकर 30 तक करवाए जाएंगे और आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे। लेक्चर नंबर 23, मैनेजमेंट कमिटमेंट। टॉप मैनेजमेंट डेमोन्स्ट्रेट करती है कमिटमेंट डेवलपमेंट की और जो इम्प्रूवमेंट है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की थ्रू दी फॉलोइंग एक्शंस। और उसमें पहला है कम्युनिकेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मीटिंग कस्टमर एंड लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। टॉप मैनेजमेंट एम्फेसाइज करती है जो सिग्निफिकेंस है सेटिस्फाई करने की कस्टमर नीड्स और कंप्लाई करना रिलेवेंट लॉज और रेगुलेशंस के साथ। उसके बाद एस्टैब्लिशिंग अ क्वालिटी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव। टॉप मैनेजमेंट डिफाइन करती है क्वालिटी पॉलिसी जो कि आउटलाइन करती है ऑर्गेनाइजेशन की जो कमिटमेंट है क्वालिटी के साथ और जो उसके स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है। उसके बाद है मैनेजमेंट रिव्यू। टॉप मैनेजमेंट करती है पीरियोडिक रिव्यू QMS का ताकि असेस करे उसकी इफेक्टिवनेस और आइडेंटिफाई करे एरिया जो इम्प्रूवमेंट के लिए। उसके बाद है प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज। टॉप मैनेजमेंट इंश्योर करती है कि नेसेसरी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग पर्सनल इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंसेस जो है वो एलोकेट हो ताकि सपोर्ट किया जाए डेवलपमेंट और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है QMS का। सो कस्टमर फोकस इन अकॉर्डेंस विद कस्टमर फोकस रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव करती है ताकि पूरा करे कस्टमर रिक्वायरमेंट विद द प्राइमरी गोल ऑफ एनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और इसमें शामिल है अंडरस्टैंड करना और एंटिसिपेट करना कस्टमर नीड्स एक्सपेक्टेशन प्रेफरेंसेस और अलाइन करना ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट्स सर्विसेज एंड प्रोसेसेस अकॉर्डिंगली। उसके बाद फिर क्वालिटी पॉलिसी इंश्योर करने के लिए कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो अलाइन करे ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस के साथ। कमिटमेंट होती है कि पूरा किया जाए रिक्वायरमेंट और ड्राइव किया जाए कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। उसके बाद है फिर प्लानिंग। सो ड्राइव करने के लिए क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इंपॉर्टेंट होता है कि एस्टेब्लिश किया जाए मेजरेबल ऑब्जेक्टिव बहुत से फंक्शंस के ऊपर और लेवल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद है फिर क्वालिटी प्लानिंग। जब प्लान किया जाए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एसेंशियल होता है कि कंसिडर किया जाए गिवन रिक्वायरमेंट्स और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। सो नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन इंश्योर करने के लिए क्लियर अकाउंटेबिलिटी और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंपॉर्टेंट होता है कि डिफाइन किया जाए और कम्युनिकेट किया जाए रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज इंडिविजुअल्स की और टीम। उसके बाद है मैनेजमेंट रैप। सो एक स्पेसिफिक नंबर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि होल्ड करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी तीन इम्पॉर्टेंट रिलेटेड थ्री इम्पॉर्टेंट टास्क जो कि रिलेट करते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से। पहला ये कि दिस इंडिविजुअल इंश्योर्स दैट द प्रोसेसेस ऑफ द QMS आर इस्टेब्लिश हैं और मेंटेन हैं। Secondly, they are responsible for reporting on the performance of the QMS. और lastly ये कि this member promotes जो awareness है customer needs की और requirement की throughout the organization. And now the internal communication. So जो एक key responsibility है वो है कि facilitate किया जाए effective communication different levels के दरमियान और जो functions है organization के अंदर concerning the processes of the quality management system. So now the review input. Regular performance review जो है वो होते हैं कि identify किया जाए area जो improvement के लिए quality management system में और इन reviews के अंदर कई सारे aspects हैं जिसमें शामिल है audit reports, customer feedback, process performance, product conformance, status of preventive and corrective action, follow-up actions from previous reviews, potential changes जो कि impact कर सके QMS और इसके अलावा recommendation for improvement. So now the review output. Review process के दरमियान output includes उसमें शामिल होते हैं decisions और action जो कि related होते हैं improvement के साथ quality management system के और उसके processes और इसी के साथ साथ जो improvement है खुद product की। सो अब आपके सामने है ISO 9001:2000 QMS। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है और एक तरफ से इनपुट जा रहा है और दरमियान में प्रोडक्ट रियलाइजेशन है और आउटपुट है प्रोडक्ट या सर्विस की फॉर्म में और राइट साइड पर आप देखें तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है।
लेक्चर नंबर 24। इसमें सबसे पहले है आईएसओ 9001 2000 क्यूएमएस, जो कि पिछले लेसन में आपको बताया जा चुका है। उसके बाद है डेमिंग साइकिल एंड आईएसओ 9001 2000 क्यूएमएस, प्लान डू चेक एंड एक्ट। सो 5 6 7 8। सो नाउ द मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ऑफ आईएसओ 9001 2000। इसमें 4 पर है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, 5 पर है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, 6 पर है रिसोर्स मैनेजमेंट, 7 है प्रोडक्ट रियलाइजेशन और 8 है मैनेजमेंट एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट। सो रिसोर्सेस मैनेजमेंट जो कि 6 पार्ट है और ये भी डिवाइडेड हुआ है सब पार्ट्स में। सो इसका जो पहला सब पार्ट है वो है प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है डिटरमाइन करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए तमाम नेसेसरी रिसोर्सेज ताकि इम्प्लीमेंट किया जाए और मेंटेन किया जाए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और कंटिन्यूअली इम्प्रूव करे उसकी इफेक्टिवनेस। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स, सिंपल टर्म में इंडिविजुअल्स जिनको असाइन किए जाते हैं रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, लाजमी पोजेस करना चाहिए नेसेसरी क्वालिफिकेशन, नॉलेज, ट्रेनिंग, स्किल्स और एक्सपीरियंस ताकि इफेक्टिवली कैरी आउट कर सकें उनके टास्क को। उसके बाद कॉम्पिटेंस, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग इंश्योर करने के लिए कॉम्पिटेंस जो है स्टाफ मेंबर की ऑर्गेनाइजेशन को लाजमी आइडेंटिफाई करना चाहिए उनकी कॉम्पिटेंसी नीड्स और प्रोवाइड करना चाहिए नेसेसरी ट्रेनिंग, और दे शुड ऑल्सो इवेल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रेनिंग प्रोवाइडेड। और इम्पॉर्टेंट होता है कि मेक श्योर किया जाए कि स्टाफ जो है वो अवेयर है जो रिलिवेंस और इम्पॉर्टेंस है उनकी एक्टिविटीज़ की और हाउ दे कॉन्ट्रीब्यूट टू अचीविंग द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। और एडिशनली मेंटेन करना अप्रोप्राइट रिकॉर्ड एजुकेशन के, ट्रेनिंग के, क्वालिफिकेशन के और एक्सपीरियंस के, ये जो एसेंशियल है और ये हेल्प करता है ट्रैक करने में और डॉक्यूमेंट करना कॉम्पिटेंसी लेवल जो है स्टाफ मेंबर का, इंश्योरिंग के उनके पास है नेसेसरी स्किल्स और नॉलेज के वो परफॉर्म करें अपने रोल्स को इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन का जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर। सो नाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर करने के लिए कि प्रोडक्ट जो है वो मीट करे रिक्वायर्ड कन्फॉर्मिटी स्टैंडर्ड, इंपॉर्टेंट होता है कि आइडेंटिफाई किया जाए, प्रोवाइड किया जाए, मेंटेन किया जाए नेसेसरी फैसिलिटीज। उसके बाद है फिर वर्क एनवायरनमेंट, अचीव करने के लिए प्रोडक्ट कन्फॉर्मिटी इंपॉर्टेंट होता है कि आइडेंटिफाई किया जाए और मैनेज किया जाए ह्यूमन और जो फिजिकल फैक्टर्स हैं वर्क एनवायरनमेंट के। नाउ द प्रोडक्ट रियलाइजेशन, सो इसके भी ये 7 पार्ट है जिसके अंदर कई सारे सब पार्ट हैं। सो जो पहला है वो है प्लानिंग ऑफ प्रोडक्ट रियलाइजेशन प्रोसेसेस। जो प्लानिंग है प्रोडक्ट रियलाइजेशन की, इसके दरमियान इम्पॉर्टेंट होता है कि कंसिडर किया जाए 2 फैक्टर। पहला ये कि डिटरमाइन किया जाए क्वालिटी ऑब्जेक्टिव और जो रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट के लिए, और सेकंड ये कि असेस किया जाए नीड जो है प्रोसेसेस के लिए, डॉक्यूमेंटेशन, रिसोर्सेज और फैसिलिटीज जो कि स्पेसिफिक हैं प्रोडक्ट से। और उसके बाद ये कि प्लानिंग जो है प्रोडक्ट रियलाइजेशन की, इसके दरमियान 2 और एडिशनल फैक्टर हैं जिनको कंसिडर किया जाए। वो हैं पहला ये कि उसमें रिक्वायर्ड वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, मॉनिटरिंग, इंस्पेक्शन और जो टेस्ट एक्टिविटीज स्पेसिफिक हैं प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट के लिए। और इसी के साथ साथ जो एस्टेब्लिशमेंट है रिकॉर्ड की, और इसमें शामिल है आइडेंटिफाई करना नेसेसरी एक्टिविटीज़ ताकि वेरीफाई किया जाए और वैलिडेट किया जाए प्रोडक्ट को, जैसे कि टेस्टिंग, इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग प्रोसेसेस। और एडिशनली इम्पॉर्टेंट होता है कि डिफाइन किया जाए एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, एक कौन से जो है वो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं और रिक्वायरमेंट हैं जो कि प्रोडक्ट को लाजमी जो है वो मीट करना होगा एक्सेप्टेबल होने के लिए। और इसके साथ साथ इस्टेब्लिश करना रिकॉर्ड, इंश्योर करना है कि तमाम रिलीवेंट इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंटेशन जो कि रिलेट करती है प्रोडक्ट रियलाइजेशन प्रोसेस से वो रिकॉर्ड हो और मेंटेन हो। प्रोवाइड करना है एक क्लियर और ट्रेसेबल रिकॉर्ड एक्टिविटीज़ का, रिजल्ट्स का और कंप्लाइंस का। एड्रेस करते हुए इन फैक्टर्स को ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंश्योर कर सकती है कि प्रोडक्ट जो है वो मीट करती है डिजायर्ड क्वालिटी, और मेंटेन करना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फ्यूचर रेफरेंस के लिए। लेक्चर नंबर 25 आईएसओ 9001:2000 क्यूएमएस, ये आपको पहले बताया जा चुका है। इसके बाद है कस्टमर रिलेटेड प्रोसेस। सो जब डिटरमाइन की जाए रिक्वायरमेंट्स जो कि रिलेट करती हैं प्रोडक्ट से, 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जिनको कंसिडर किया जाए। पहला ये कि ऑर्गेनाइजेशन को लाजमी आइडेंटिफाई
करना चाहिए और एड्रेस करना चाहिए प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट जो कि स्पेसिफिकली तौर पे स्पेसिफाई की कस्टमर्स ने, और दूसरा ये कि ऑर्गेनाइजेशन को लाजमी जो है वो आइडेंटिफाई भी करना चाहिए और एड्रेस करना चाहिए कोई भी रिक्वायरमेंट जो कि नेसेसरी होती है इंटेंडेड या फिर स्पेसिफिक यूज़ के लिए प्रोडक्ट की। इवन कि अगर एक्सप्लिसिटली तौर पे स्टेट भी नहीं किया कस्टमर ने तब भी। सो ऑब्लिगेशंस रिलेटेड टू प्रोडक्ट इंक्लूडिंग रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट, इससे मुराद ये कि जो रिक्वायरमेंट और ऑब्लिगेशन इम्पोज की रेगुलेटरी बॉडीज़ ने और लीगल फ्रेमवर्क ने दैट द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कंप्लाई विथ, और ये जो ऑब्लिगेशन इनमें शामिल है स्पेसिफिक रेगुलेशंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन या फिर दूसरी लीगल रिक्वायरमेंट जो कि एप्लीकेबल हैं प्रोडक्ट के लिए, और उसके बाद है फिर एनी एडिशनल रिक्वायरमेंट डिटरमाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। सो इन एडिशन टू कस्टमर रिक्वायरमेंट रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन और जो लीगल रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई भी करना चाहिए एडिशनल रिक्वायरमेंट्स जो कि नेसेसरी होती हैं प्रोडक्ट्स के लिए। सो उसके बाद है फिर रिव्यू ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स, कमिटमेंट करने से पहले के सप्लाई किया जाए एक प्रोडक्ट कई सारे इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं जो कि लेना चाहिए। पहला ये कि क्रूशल होता है कि इंश्योर किया जाए कि रिक्वायरमेंट जो है प्रोडक्ट की वो क्लियरली डिफाइंड हो, और कोई भी उसके बाद ये कि जो डिफरेंसेस हैं टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान वो रिजॉल्व हो, और ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके पास एबिलिटी हो कि वो पूरा कर सके रिक्वायरमेंट्स। सुनाओ दी कस्टमर कम्युनिकेशन, एस्टेब्लिश करने के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन कस्टमर के साथ ज़रूरी होता है कि इम्प्लीमेंट किया जाए अप्रोप्राइट अरेंजमेंट बहुत से एस्पेक्ट के लिए। पहला ये कि अरेंजमेंट जो है वो शुड बी मेड टू कम्युनिकेट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन टू कस्टमर, और दूसरा ये कि क्लियर प्रोसीजर होना चाहिए हैंडल करने के लिए कस्टमर इंक्वायरीज कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑर्डर्स। और इसी के अलावा अरेंजमेंट जो है वो इस्टेब्लिश होने चाहिए ताकि गैदर किया जाए और एड्रेस किया जाए कस्टमर फीडबैक इंक्लूडिंग कंप्लेंट्स। सुनाओ दी डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट 7.3 पार्ट है जो कि सो इसमें सबसे पहले है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग। सो जब प्लान किया जाए डिज़ाइन और डेवलपमेंट स्टेजेस के लिए एक प्रोजेक्ट की, सो कई सारे की कंसिड्रेशन है। पहला ये कि प्लानिंग जो है एनकम्पेस करना चाहिए डिफरेंट स्टेजेस जो है डिज़ाइन और डेवलपमेंट के, आउटलाइनिंग द नेसेसरी स्टेप्स एंड प्रोसेसेस टू बी फॉलोड। दूसरा ये कि इम्पोर्टेंट होता है कि आइडेंटिफाई किया जाए रिक्वायर्ड रिव्यू वेरिफिकेशन और वैलिडेशन एक्टिविटीज़ जो कि इंश्योर करेगी क्वालिटी और जो एक्यूरेसी है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की आउटकम की। और इसके अलावा क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो अथॉरिटीज़ हैं वो लाजमी डिफाइन होने चाहिए इंडिविजुअल्स के लिए जो कि इन्वॉल्व हैं डिज़ाइन और डेवलपमेंट प्रोसेस में, और इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट जो है इंटरफेसिस की डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान इस्टेब्लिश होना चाहिए। सो नाउ द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट, जब डिफाइन किया जाए डिज़ाइन और जब डिफाइन किया जाए और डॉक्यूमेंट किया जाए प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट कई सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जिनको लेना चाहिए। सो पहला ये कि फंक्शनल और परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट जो है वो लाजमी क्लियरली आइडेंटिफाइड हो और डॉक्यूमेंटेड हो, और एप्लीकेबल रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट जो है कंसिडर होना चाहिए और इनकॉर्पोरेट होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ताकि इंश्योर किया जाए कंप्लाइंस जो है रिलीवेंट स्टैंडर्ड्स के साथ और रेगुलेशन, और इंफॉर्मेशन जो है प्रीवियस सिमिलर डिज़ाइन से यूटिलाइज होना चाहिए ताकि गैदर किया जाए इंसाइट्स और एंड लेसन लर्न्ड। और एक थोरो रिव्यू जो है रिक्वायरमेंट्स का होना चाहिए ताकि इंश्योर किया जाए एटिकेसी और कोई भी एम्बिगियस इन कंप्लीट या कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट जो है वो रिजॉल्व होना चाहिए ताकि एलिमिनेट किया जाए कन्फ्यूजन या फिर पोटेंशियल इश्यूज़। सो नाउ द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट,
डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट जो है ज़रूरत होती है कि डॉक्यूमेंटेड हो और वेरीफाइड हो इससे पहले कि रिलीज़ किया जाए। और ये जो आउटपुट है इनके अंदर शामिल होना चाहिए नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन के लिए या फिर ऑपरेशंस के लिए, और इनको लाजमी पूरा करना चाहिए इनपुट रिक्वायरमेंट, और डिज़ाइन और डेवलपमेंट आउटपुट को प्रोवाइड करना चाहिए अप्रोप्राइट इंफॉर्मेशन परचेजिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए और सर्विस प्रोविजन के लिए। एंड दे शुड ऑल्सो कंटेन प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया स्पेसिफाइंग द एसेंशियल करेक्टरिस्टिक जो कि ज़रूरी है सेफ और प्रॉपर यूज़ के लिए प्रोडक्ट की। सो इंश्योर करते हुए डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन जो है इन डिज़ाइन और डेवलपमेंट आउटपुट का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकती है नेसेसरी इंफॉर्मेशन और इंश्योर करना कि प्रोडक्ट जो है वो मीट करे रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड और एंड कैन बी सेफली एंड इफेक्टिवली यूटिलाइज। सो नाउ द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट रिव्यू। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस के दरमियान इम्पॉर्टेंट होता है कि किया जाए पीरियोडिक रिव्यू सूटेबल स्टेजेस के ऊपर, और ये रिव्यूज़ जो है वो सर्व करते हैं मल्टीपल पर्पसेस। पहला ये कि ये इवेल्यूएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी के फुलफिल किया जाए रिक्वायरमेंट्स जो कि सेट की गई प्रोडक्ट के लिए। दूसरा ये कि ये रिव्यू हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में कोई भी प्रॉब्लम्स या फिर इश्यूज जो कि आ सकते हैं D&D प्रोसेस के दरमियान। सो एसेंशियल होता है कि इन्वॉल्व किया जाए तमाम रिलेवेंट फंक्शंस इन रिव्यूज के अंदर ताकि गैदर किया जाए डाइवर्स पर्सपेक्टिव और एक्सपर्टीज, और जो रिजल्ट है इन रिव्यूज का और जो करेस्पॉन्डिंग फॉलो अप एक्शंस हैं रिकॉर्डेड होना चाहिए और ट्रैक होना चाहिए रेफरेंस के लिए और अकाउंटेबिलिटी के लिए। सो नाउ द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट वेरिफिकेशन इंश्योर करने के लिए कि आउटपुट जो है डिज़ाइन और डेवलपमेंट प्रोसेस का पूरा करे इनपुट रिक्वायरमेंट एसेंशियल होता है कि किया जाए वेरिफिकेशन, और इसमें शामिल है थोरोली एग्जामिन करना DD आउटपुट को ताकि कंफर्म किया जाए उसकी अलाइनमेंट जो है इनिशियल रिक्वायरमेंट्स के साथ और स्पेसिफिकेशन, और जो रिजल्ट है इस वेरिफिकेशन का अलॉन्ग विद एनी आइडेंटिफाइड डिस्क्रिपेंसी या इश्यूज रिकॉर्डेड होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए, और सब्सिक्वेंट फॉलो एक्शन जो है वो प्रपोज होना चाहिए और इम्प्लीमेंट होना चाहिए ताकि एड्रेस किया जाए कोई भी आइडेंटिफाई गैप या फिर नॉन कन्फर्मिटीज। सो वेरीफाई करते हुए DD आउटपुट और रिकॉर्डिंग द रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंश्योर कर सकती है कि फाइनल प्रोडक्ट या फिर सोल्यूशन जो है वो अलाइन करता है इंटेंडेड रिक्वायरमेंट्स के साथ एंड टेक्स नेसेसरी करेक्टिव एक्शन ताकि एड्रेस किया जाए कोई भी डेविएशन या शॉर्टकमिंग्स। नाउ द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट वैलिडेशन। डिज़ाइन और डेवलपमेंट प्रोसेस के दरमियान क्रूशल होता है कि परफॉर्म किया जाए वैलिडेशन ताकि कंफर्म किया जाए कि प्रोडक्ट जो है वो कैपेबल है पूरा करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसके इंटेंडेड यूज़ की, और इसमें शामिल है टेस्ट करना एक्सपेरिमेंट करना या सिमुलेशन करना ताकि वेरीफाई किया जाए कि प्रोडक्ट जो है वो परफॉर्म करती है जैसे कि एक्सपेक्ट किया जाता है और पूरा करती है स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट। और वैलिडेशन जो है वो होना चाहिए पहले, वैलिडेशन शुड बी डन प्रायर टू डिलीवरी वेन एवर पॉसिबल, और जो रिजल्ट है वैलिडेशन प्रोसेस का अलॉन्ग विद एनी आइडेंटिफाइड एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट और नेसेसरी फॉलो अप एक्शन उसको लाजमी रिकॉर्ड होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए और रेफरेंस। सो नाउ द कंट्रोल ऑफ डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट चेंजेस। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस के दरमियान कोई भी जो चेंज आती है उसको आइडेंटिफाई होना चाहिए और डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, और रिकॉर्ड जो इन चेंजेस का वो मेंटेन होना चाहिए, और इम्प्लीमेंट करने से पहले चेंजेस एक थोरो रिव्यू वेरिफिकेशन और वैलिडेशन प्रोसेस होना चाहिए, और ये इंश्योर करता है कि चेंजेस जो है वो प्रॉपरली असेस्ड हैं और टेस्टेड हैं ताकि कंफर्म किया जाए उनकी इफेक्टिवनेस और जो कंप्लाइंस है रिक्वायरमेंट्स के साथ। सो इम्पॉर्टेंट होता है कि एवेल्यूट किया जाए जो इफेक्ट हैं चेंजेस के ओवरऑल डिज़ाइन के ऊपर और जो डेवलपमेंट है कंसिडरिंग एनी पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस फंक्शनली या फिर अदर रिलेवेंट फैक्टर्स, और जो रिजल्ट है रिव्यू का चेंजेस की
नेसेसरी किसी भी नेसेसरी फॉलो अप एक्शन के साथ रिकॉर्ड होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए और फ्यूचर रेफरेंस के लिए। सो नाउ द परचेजिंग पार्ट 7.4। सबसे पहला है इसमें परचेजिंग प्रोसेस, इंश्योर करने के लिए कि परचेज प्रोडक्ट जो है वो पूरा करती है रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स। इम्पॉर्टेंट होता है कि इम्प्लीमेंट किया जाए कंट्रोल परचेजिंग प्रोसेस, और इसमें शामिल है डिटरमाइन करना टाइप और एक्सटेंट जो है कंट्रोल की जो कि ज़रूरी है परचेज प्रोडक्ट के लिए, जिसमें शामिल हो सकता है इंस्पेक्शन, ऑडिट या कोई दूसरा क्वालिटी कंट्रोल मेजर। सप्लायर्स जो है वो सिलेक्ट होना चाहिए जो कि बेस करे उनकी एबिलिटी के ऊपर के प्रोवाइड करे कंफर्मिंग प्रोडक्ट। कंसिडर किया जाए उनके ट्रैक रिकॉर्ड, कैपेबिलिटीज़ और क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम। सो ये असेंशियल होता है कि डिफाइन किया जाए क्राइटेरिया सेलेक्ट करने के लिए सप्लायर और पीरियडिकली एवेल्यूएट करना उनकी परफॉर्मेंस, और जो रिजल्ट है सप्लायर एवेल्यूशन का, साथ में कोई भी जो आइडेंटिफाइड एरिया है इम्प्रूवमेंट के लिए या नेसेसरी फॉलोअप है वो रिकॉर्ड होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए। सुनाओ दी परचेजिंग इन्फॉर्मेशन, परचेजिंग इन्फॉर्मेशन को क्लियरली तौर पे शुड क्लियरली डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट्स फॉर द अप्रूवल ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोसीजर्स प्रोसेसेस इक्विपमेंट एंड पर्सनल, और इसमें शामिल है स्पेसिफाई करना क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड जो कि ज़रूरी होते हैं पूरा करने के लिए दैट नीड टू बी मीट इन ऑर्डर फॉर दीज एलिमेंट्स टू बी अप्रूव्ड फॉर यूज। एडिशनली जो परचेजिंग इंफॉर्मेशन है शुड आउटलाइन द रिक्वायरमेंट्स फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सनल, इंश्योरिंग के इंडिविजुअल जो है वो जो इन्वॉल्व हैं वो उनके पास हो नेसेसरी क्वालिफिकेशन स्किल्स और एक्सपर्टीज, और परचेजिंग इंफॉर्मेशन को अलाइन होना चाहिए रिक्वायरमेंट के साथ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की। सो ये क्रूशल है कि रिव्यू किया जाए कंफर्म किया जाए जो एडिकेसी है स्पेसिफाइड परचेज रिक्वायरमेंट की इससे पहले के कम्युनिकेट किया जाए सप्लायर तक। नाउ द वेरिफिकेशन ऑफ परचेज प्रोडक्ट, वेरीफाई करने के लिए परचेज प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत होती है कि वो आइडेंटिफाई करें इम्प्लीमेंट करें स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, और ये एक्टिविटीज़ जो इनमें शामिल हैं इंस्पेक्शन टेस्टिंग या ऑडिट के इंश्योर किया जाए कि परचेज प्रोडक्ट जो वो पूरा करती है रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन या उसका कस्टमर विश करता है कि वो करे वेरीफिकेशन जो है सप्लायर्स की प्रीमाइसिस के ऊपर, सो ऑर्गेनाइजेशन को लाजमी क्लियरली स्पेसिफाई करना चाहिए अरेंजमेंट्स परचेसिंग इंफॉर्मेशन के अंदर, और ये इसमें शामिल है आउटलाइन करना डिटेल कि कैसे वेरिफिकेशन होगी, जैसे कि स्कोप मेथडोलॉजी और जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है ऑन साइट वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए। लेक्चर नंबर 26 7.5 पार्ट प्रोडक्शन एंड सर्विस ऑपरेशंस, इसमें सबसे पहले है कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस ऑपरेशन। इंश्योर करने के लिए कंट्रोल प्रोडक्शन कुछ मेजर हैं जो कि इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सो जो पहला पॉइंट है उसके मुताबिक इंफॉर्मेशन जो स्पेसिफाई करे करेक्टरिस्टिक्स जो है प्रोडक्ट की वो रेडिली अवेलेबल होना चाहिए, एनेबल करे वर्कर को के अंडरस्टैंड करें रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकेशन, और दूसरा ये कि वर्क इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड होने चाहिए जब ज़रूरी हो, आउटलाइन करें स्टेप्स और प्रोसीजर्स जो कि फॉलो होंगे प्रोडक्शन के दरमियान, और उसके बाद जो पॉइंट है उसके मुताबिक सूटेबल इक्विपमेंट यूज़ होने चाहिए कैरी आउट करने के लिए प्रोडक्शन प्रोसेसेस, इंश्योर करें कि इक्विपमेंट जो है वो अप्रोप्राइट हो फॉर द टास्क एट हैंड, और उसके बाद है जो पॉइंट उसके मुताबिक मेजर करना और मॉनिटर करना डिवाइसेस को अवेलेबल होना चाहिए और यूज़ किया जाए असेस करने के लिए क्वालिटी और जो परफॉर्मेंस है प्रोडक्ट की थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस, और उसके बाद जो पॉइंट है मॉनिटर करना और मेजरमेंट मॉनिटरिंग और मेजरमेंट एक्टिविटीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए ताकि ट्रैक किया जाए और इवेल्यूएट किया जाए की पैरामीटर्स और इंडिकेटर्स, और इंश्योर किया जाए कि इंश्योरिंग के प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्शन रहे ट्रैक के ऊपर और पूरा करे वो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स, और उसके बाद जो पॉइंट है रिलीज डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए ताकि इंश्योर करे कि फिनिश प्रोडक्ट जो है वो रिव्यू हो अप्रूव हो और डिलीवर की जाए कस्टमर को स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। नाउ द आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी,
जब ज़रूरी हो, इम्पोर्टेंट होता है कि आइडेंटिफाई किया जाए प्रोडक्ट को तमाम स्टेजेस के ऊपर ऑपरेशंस की या फिर प्रोडक्शन, और इसमें शामिल है असाइन करना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड या फिर लेबल जो है हर प्रोडक्ट को, एनेबल करना इजी ट्रैकिंग और ट्रेसिबिलिटी। नाउ दी कस्टमर प्रॉपर्टी, ऑर्गेनाइजेशन को लाजमी केयर करना चाहिए कस्टमर की प्रॉपर्टी की वाइल इट इज़ अंडर देयर कंट्रोल, या फिर कंट्रोल में हो उनके या फिर यूज़ में हो। और इसमें शामिल है कई सारे इम्पोर्टेंट स्टेप। पहला ये कि प्रॉपर्टी जो प्रोवाइड करे कस्टमर यूज़ के लिए या इनकॉर्पोरेशन के लिए, उसको लाजमी जो है प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई किया जाए, वेरीफाई किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए और मेंटेन किया जाए। और अगर किसी कस्टमर की प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है, डैमेज हो जाती है या फिर फाउंड अनसुटेबल, उसको रिकॉर्ड किया जाए, लाजमी रिपोर्ट किया जाए कस्टमर को, और अप्रोप्राइट एक्शन जो है वो लेने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को लाजमी मेंटेन करना चाहिए रिकॉर्ड ऐसे इंसिडेंट्स इंसिडेंट्स के लिए, रेफरेंसेस के लिए और अकाउंटेबिलिटी के लिए। सुना दे प्रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट, इंश्योर करने के लिए कन्फर्मिटी जो है प्रोडक्ट की थ्रू आउट इट्स इंटरनल प्रोसेसिंग और जो फाइनल डिलीवरी है इंटेंडेड डेस्टिनेशन तक, कई सारे स्टेप्स जो है वो लेने की ज़रूरत होती है। और इन स्टेप में शामिल है आइडेंटिफिकेशन, हैंडलिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज और जो प्रोडक्ट प्रोटेक्शन है प्रोडक्ट की। एंड दिस अप्लाइज, और ये अप्लाई होता है नॉट ओनली टू दी फाइनल असेंबल प्रोडक्ट, सिर्फ फाइनल असेंबल प्रोडक्ट तक नहीं बल्कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूंट पार्ट्स हैं और हर कंपोनेंट जो वो क्लियरली आइडेंटिफाई होना चाहिए, केयरफुली हैंडल हो, प्रॉपरली पैकेज हो और स्टोर हो सुटेबल कंडीशंस में, ताकि रोका जाए डैमेज को, कंटेमिनेशन या फिर जो दूसरी तरह की डिटेरियोरेशन है। सुना दी कंट्रोल ऑफ मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग डिवाइसेस, सो पहला जो है वो है शैल स्टेब्लिश प्रोसेस। सो इसका मतलब ये कि ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना चाहिए डिज़ाइन और डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ या टास्क, और उसके बाद फिर कैलिब्रेट एंड एडजस्ट मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग डिवाइसेस एट ए स्पेसिफाइड इंटरवल प्रायर टू यूज़। मेजरिंग और मॉनिटरिंग डिवाइसेस जो है वो यूज़ की जाए असेस करने के लिए प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक्स या प्रोसेस परफॉर्मेंस, या फिर प्रोसेस परफॉर्मेंस जो है वो कैलिब्रेट होना चाहिए और एडजस्टेड हो रेगुलरली। और इसमें शामिल है कंपेयर करना डिवाइस मेजरमेंट को नॉन स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट या फिर रेफरेंसेस, ताकि इंश्योर किया जाए एक्यूरेसी। और उसके बाद है ट्रेसिबिलिटी टू इंटरनेशनल और नेशनल स्टैंडर्ड एंड रिकॉर्ड द बेसिस इफ नो सच स्टैंडर्ड एक्सिस। ट्रेसिबिलिटी से मुराद एबिलिटी होती है ट्रेस करने की मेजरमेंट रिजल्ट या फिर प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक्स बैक टू अ इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल और नेशनल स्टैंडर्ड, और ये हेल्प करता है इंश्योर करने में एक्यूरेसी और कंपेरेबिलिटी जो है मेजरमेंट्स की। और अगर नहीं है कोई स्पेसिफिक इंटरनेशनल या नेशनल स्टैंडर्ड, ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉर्ड करना चाहिए बेसिस या रेफरेंसेस जिनका यूज़ किया जाएगा इस्टेब्लिश करने के लिए ट्रेसिबिलिटी, जैसे कि इंडस्ट्री गाइडलाइंस या इंटरनल स्टैंडर्ड। सो उसके बाद है सेफगार्ड एमएमडी फ्रॉम एडजस्टमेंट वैली इनवैलिडेटिंग कैलिब्रेशन। सो इम्पॉर्टेंट होता है कि रोका जाए अनऑथोराइज एडजस्टमेंट या फिर टेम्परिंग जो है विद द एमएमडी, जो कि कॉम्प्रोमाइज कर सके उनकी कैलिब्रेशन। और उसके बाद है प्रोटेक्ट एमएमडी फ्रॉम डैमेज और डिटेरियोरेशन ड्यूरिंग हैंडलिंग, मेंटेनेंस और स्टोरेज। सो मेजरिंग और मॉनिटरिंग डिवाइसेस को हैंडल करना चाहिए केयर के साथ, ताकि रोका जाए डैमेज या फिर डिटेरियोरेशन जो कि अफेक्ट कर सके उनकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी। और उसके बाद है रिकॉर्ड रिजल्ट्स ऑफ कैलिब्रेशन। सो एसेंशियल होता है कि मेंटेन किया जाए रिकॉर्ड जो है कैलिब्रेशन एक्टिविटीज़ का, जिसके अंदर शामिल है जो रिजल्ट्स ऑब्टेन किए गए, और ये रिजल्ट जो है इनके अंदर शामिल होना चाहिए डिटेल्स जैसे कि डेट जो है कैलिब्रेशन की। और उसके बाद है एक्सेस वैलिडिटी ऑफ प्रीवियस रिजल्ट्स व्हेन डिवाइसेस फाउंड टू बी आउट ऑफ कैलिब्रेशन। जब एक मेजरिंग या मॉनिटरिंग डिवाइस जो है वो फाउंड हो कि वो आउट ऑफ कैलिब्रेशन है, नेसेसरी होता है कि असेस किया जाए वैलिडिटी कोई भी जो प्रीवियस रिजल्ट हासिल किया गया यूजिंग
दैट डिवाइस, उस डिवाइस को यूज़ करते हुए। सो अब आपके सामने आई सो 9001:2000 क्यू एम एस है, और उसके बाद है फिर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ऑफ आईएसओ 9001:2000। सो अब 8 पार्ट आ चुका है, मेजरमेंट एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट। सो इंश्योर करने के लिए, इन ऑर्डर टू मीट, पूरा करने के लिए जो नीड है बहुत सी इंटरेस्टेड पार्टीज की, ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करना चाहिए और मेजर करना चाहिए नेसेसरी इंफॉर्मेशन अप्रोप्राइट स्टेजेस के ऊपर प्रोडक्ट रियलाइजेशन की। और ये जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं इनमें लेक्चर नंबर 27, इसके अंदर है मेजरमेंट एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट जो कि 8 पार्ट है। सो इसमें सबसे पहले है प्लानिंग। सो एश्योर करने के लिए कन्फर्मेंस जो है प्रोडक्ट की और जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है एसेंशियल होता है कि प्लान किया जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए मेजरमेंट और मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़। और ये जो एक्टिविटीज़ है इसमें शामिल है सिस्टमेटिकली मेजरिंग करना और मॉनिटर करना बहुत से एस्पेक्ट्स को। सो इसके अंदर जो है वो है कन्फर्मेंस जो है प्रोडक्ट की और कन्फर्मेंस टू द क्यूएमएस और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। उसके बाद है मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड होता है कि मॉनिटर करें इन्फॉर्मेशन जो कि रिलेट करती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन से और डिससेटिस्फेक्शन से, और इसमें शामिल है एक्टिवली गैदर करना फीडबैक और डेटा कस्टमर्स से ताकि असेस किया जाए उनका लेवल जो है सेटिस्फेक्शन ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट या सर्विस के साथ। उसके बाद है फिर इंटरनल ऑडिट, इंश्योर करने के लिए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के वो कंफर्म करें रिक्वायरमेंट को आईएसओ स्टैंडर्ड की और इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो और मेंटेन हो। ज़रूरी होता है कि किया जाए पीरियोडिक इंटरनल ऑडिट। सो इंश्योर करने के लिए इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी जो है ऑडिट प्रोसेस की, ऑडिटर्स को ऑडिट नहीं करना चाहिए खुद का वर्क, ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करना चाहिए एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर जो कि कवर करे कई सारे की एस्पेक्ट। पहला ये कि उसको डिफाइन करना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटीज़ जो इंडिविजुअल्स की जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे ऑडिट करने के लिए। दूसरा ये कि प्रोसीजर्स जो है प्रोसीजर का फोकस होना चाहिए इंश्योर करने के ऊपर इंडिपेंडेंस ताकि अवॉइड किया जाए कॉन्फ्लिक्ट जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और इंश्योर किया जाए कि ऑडिटर जो है वो रहे इम्पार्शल और अनबायस। और उसके बाद ये कि प्रोसीजर को आउटलाइन करना चाहिए प्रोसेस रिकॉर्डिंग के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए ऑडिटिंग रिजल्ट और रिपोर्ट करना उनको मैनेजमेंट को, और टाइमली करेक्टिव एक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए जो कि बेस्ड करे ऑडिट फाइंडिंग्स के ऊपर ताकि एड्रेस किया जाए कोई भी आइडेंटिफाई नन कन्फर्मिटीज़ या फिर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, और एक फॉलोअप प्रोसेस जो है वो इस्टेब्लिश होना चाहिए ताकि वेरीफाई किया जाए इम्प्लीमेंटेशन जो है करेक्टिव एक्शन की और इंश्योर किया जाए उनकी इफेक्टिवनेस। सो नाउ द मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ प्रोसेस। सो पूरा करने के लिए कस्टमर रिक्वायरमेंट इम्पॉर्टेंट होता है कि अप्लाई किया जाए अप्रोप्राइट मेथड जो है मेजरिंग के लिए और मॉनिटरिंग के लिए रियलाइजेशन प्रोसेस की। और ये जो मेथड है इसमें शामिल है असेस करना परफॉर्मेंस और इफेक्टिवनेस जो है प्रोसेसेस की जो कि नेसेसरी है डिलीवर करने के लिए डिजायर्ड आउटकम्स। सो नाउ द मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ प्रोडक्ट, इंश्योर करने के लिए प्रोडक्ट क्वालिटी इम्पॉर्टेंट होता है कि मेजर किया जाए और मॉनिटर किया जाए उसकी करेक्टरिस्टिक्स अप्रोप्राइट स्टेजेस के ऊपर, और इसमें शामिल है सिस्टमेटिकली असेस करना प्रोडक्ट को प्री डिटरमाइंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के अगेंस्ट ताकि डिटरमाइन किया जाए कि क्या वो कन्फर्म करती है रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स को, और रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए ताकि इंडिकेट करे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग द रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट। सो जो रिलीज या डिलीवरी है प्रोडक्ट की वो प्रोसीड होना चाहिए सिर्फ एक बार, सॉरी प्रोसीड होना चाहिए जब तमाम एक्टिविटीज स्पेसिफाइड एक्टिविटीज जो है वो कंप्लीट हो चुकी हों अनलेस अदरवाइज अप्रूव्ड बाय द कस्टमर। सो नाउ द कंट्रोल ऑफ नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट, जब डील किया जाए नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट्स के साथ ऑर्गेनाइजेशन के पास लाजमी डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स होने चाहिए ताकि कंट्रोल किया जाए और एड्रेस किया जाए इशूज़ को।
सो प्रोसीजर्स जो है वो आउटलाइन करता है नेसेसरी एक्शन जो कि लिए जाएंगे ताकि एलिमिनेट किया जाए डिफेक्ट्स या फिर नन कन्फर्मिटीज जो कि आइडेंटिफाई की गई प्रोडक्ट के अंदर। अब जो दूसरा पॉइंट है टू ऑथराइज सेल अंडर कंसेशन, कुछ केसेस के अंदर जब नन कंफर्मिंग प्रोडक्ट्स जो है वो कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं किए जा सकती या फिर रेक्टिफाई, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑथोराइज करती है सेल जो है इन प्रोडक्ट्स की कुछ सर्टेन कंसेशंस के अंदर अंडर। और उसके बाद है फिर रिकॉर्ड ऑफ कंसेशंस शैल बी मेंटेन। सो जब नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट्स जो है वो ऑथोराइज होती हैं सेल्स के लिए अंडर कंसेशंस, ऑर्गेनाइजेशन को लाजमी मेंटेन करना होता है रिकॉर्ड जो है इन कंसेशंस का। और उसके बाद है फिर री वेरिफिकेशन आफ्टर रीवर्क, जब रीवर्क परफॉर्म होता है एक नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट के ऊपर के रेक्टिफाई करे आइडेंटिफाई नॉन कन्फर्मिटीज, इम्पॉर्टेंट होता है कि किया जाए री वेरिफिकेशन। और उसके बाद फिर वे टू डील विद नॉन कन्फर्मिटी डिटेक्टेड आफ्टर डिलीवरी। सो अगर एक नॉन कन्फर्मिटी डिटेक्ट होती है जब प्रोडक्ट डिलीवर हो चुकी होती है कस्टमर को, ऑर्गेनाइजेशन के पास जो है वो प्रोसीजर होने चाहिए ताकि हैंडल किया जाए उन सिचुएशंस को। सो नाउ द एनालिसिस ऑफ डेटा, इसमें पहला है टू डिटरमाइन सूटेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ QMS। सो डेटा कलेक्शन और एनालिसिस जो है वो किया जाता है उनको असिस्ट करने के लिए परफॉर्मेंस और जो इफेक्टिवनेस है QMS की। और उसके बाद जो पॉइंट है टू इवेल्यूएट वेयर कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द QMS कैन बी मेड। डेटा कलेक्शन और एनालिसिस जो है वो परफॉर्म भी होता है आइडेंटिफाई करने के लिए अपॉर्चुनिटीज कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के लिए QMS के अंदर। सो नाउ द एनालिसिस ऑफ डेटा, सो पहला है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। एनालाइज करते हुए डेटा को जो कि रिलेट करता है कस्टमर फीडबैक से, सर्विस से, कंप्लेंट से और दूसरे सोर्सेज से, ऑर्गेनाइजेशन को मिल सकती है इनसाइट कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल के अंदर। और उसके बाद है कन्फर्मेंस टू प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स। डेटा एनालिसिस परफॉर्म होता है ताकि वैल्यूएट किया जाए कि किस हद तक प्रोडक्ट्स जो है वो मीट करती हैं स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स और स्टैंडर्ड्स। उसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस एंड देयर ट्रेंड्स। एनालाइज करने से डेटा जो है प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर और जो प्रोसेस परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है इनसाइट इनटू द इफेक्टिवनेस और जो एफिशिएंसी है उनकी ऑपरेशन की। और उसके बाद वाला पॉइंट है सप्लायर्स। डेटा एनालिसिस जो है वो प्रोवाइड कर सकता है इनसाइट्स परफॉर्मेंस के बारे में जो सप्लायर की है। सो 8.5 जो कि है इम्प्रूवमेंट। सो इसके अंदर है इम्प्रूवमेंट यूजिंग, फैसिलिटेट इम्प्रूवमेंट यूजिंग। पहला है क्वालिटी पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी पॉलिसी जो है वो सर्व करती है एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए। और उसके बाद है फिर ऑब्जेक्टिव्स। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिक टारगेट्स और मेजरेबल इंडिकेटर्स जो कि ड्राइव करते हैं कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। और उसके बाद फिर ऑडिट रिजल्ट। ऑडिट प्ले करता है क्रूशियल रोल आइडेंटिफाई करने में एरियाज जो इम्प्रूवमेंट के लिए। और उसके बाद है एनालिसिस ऑफ डेटा। डेटा एनालिसिस हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को क्या हासिल करें इनसाइट इनटू परफॉर्मेंस ट्रेंड पैटर्न्स एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। उसके बाद फिर करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शंस जो है वो लिए जाते हैं एड्रेस करने के लिए नॉन कन्फर्मिटीज और एलिमिनेट करना रूट कॉज जो है प्रॉब्लम्स का। और उसके बाद है प्रिवेंटिव एक्शंस। प्रिवेंटिव एक्शंस प्रोएक्टिव मेजर्स होते हैं जिनको लिया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए और एड्रेस करने के लिए पोटेंशियल इशू इससे पहले कि वो हो। और उसके बाद है मैनेजमेंट रिव्यू। मैनेजमेंट रिव्यूज प्रोवाइड करते हैं एक स्ट्रेटेजिक और होलिस्टिक असेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन की QMS की। सो नाउ द करेक्टिव एक्शन, जब एड्रेस किया जाए नॉन कन्फर्मिटीज को क्रूशल होता है कि इम्प्लीमेंट किया जाए करेक्टिव एक्शन जो कि अप्रोप्राइड होते हैं इम्पैक्ट ऑफ प्रॉब्लम के लिए। और इसका मतलब ये है कि जो सेवरिटी और जो पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज हैं नॉन कन्फर्मिटी की उसको कंसिडर करना चाहिए जब डिटरमाइन किया जाए अप्रोप्राइट करेक्टिव एक्शन।
सो डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स को डिफाइन करना चाहिए, रिक्वायरमेंट्स जो है रिव्यू करने की, नॉन कन्फर्मिटीज़ और डिटरमाइन करना उनके कॉजेस, और इसमें शामिल है थोरोली एग्जामिन करना नॉन कन्फर्मिटी, इन्वेस्टिगेट करना उसके रूट कॉज और आइडेंटिफाई करना अंडरलाइन फैक्टर जिनसे प्रॉब्लम होती है। कंडक्ट करने से कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू और कॉस्ट एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलप कर सकती है इफेक्टिव करेक्टिव एक्शन जो कि एड्रेस करे रूट कॉजेस, रोके रिकरेंस, इंश्योर करे कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट उनके प्रोसेसेस की और प्रोडक्ट्स। अब जो थर्ड पॉइंट है कि इवेल्यूएट द नीड फॉर करेक्टिव एक्शन। जब एक नन कन्फर्मिटी या फिर प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिफाई होती है, सो एसेंशियल होता है कि इवेल्यूएट किया जाए कि क्या करेक्टिव एक्शन नेसेसरी है, और उसके बाद फिर डिटरमाइन करेक्टिव एक्शन नीडेड एंड इम्प्लीमेंटेड। जब नीड जो है करेक्टिव एक्शन की स्टेब्लिश हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन को लाजमी डिटरमाइन करना चाहिए जो स्पेसिफिक एक्शन रिक्वायर्ड है एड्रेस करने के लिए नन कन्फर्मिटी को, और उसके बाद है रिकॉर्ड द रिजल्ट ऑफ करेक्टिव एक्शन। सो इम्पॉर्टेंट होता है कि मेंटेन किया जाए रिकॉर्ड करेक्टिव एक्शन जो कि लिए गए, और उसके बाद है रिव्यू करेक्टिव एक्शन टेकन। जब करेक्टिव एक्शन जो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं तो ज़रूरी होता है कि रिव्यू किया जाए उनकी इफेक्टिवनेस। सो नाउ द क्यूएमएस एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। सो राइट डाउन व्हाट यू डू, लिखें जो आप करते हैं, जस्टिफाई करें जो आप करते हैं, और करें जो लिखते हैं जो कि रिटर्न है, और रिकॉर्ड करें जो आपने किया, और रिव्यू करें जो आपने किया, और रिवाइज करें जो आप करेंगे। लेक्चर नंबर 28, इसमें सबसे पहले है प्रिवेंटिव एक्शन। प्रिवेंट करने के लिए पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटीज फ्रॉम अकरिंग ऑर्गेनाइजेशन को लाजमी आइडेंटिफाई करना चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए प्रिवेंटिव एक्शंस, और इन एक्शंस का एम होता है एलिमिनेट करना रूट कॉजेज या फैक्टर्स जिनसे नॉन कन्फर्मिटीज होती हैं फ्यूचर में। इंश्योर करने के लिए प्रिवेंशन जो है पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटीज की ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरी होता है कि फोकस करें एलिमिनेट करने के ऊपर कॉजेज जिनसे इस तरह के इश्यूज होते हैं, और इसमें शामिल है आइडेंटिफाई करना और एड्रेस करना रूट कॉजेज या अंडरलाइन फैक्टर्स दैट हैव द पोटेंशियल टू रिजल्ट इन नॉन कन्फर्मिटीज। सो इंश्योर करने के लिए प्रिवेंशन नॉन कन्फर्मी पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटीज की ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरी होता है कि फोकस करें एलिमिनेट करने के ऊपर जो कॉजेज हैं जिनसे इस तरह के इश्यूज आते हैं, और प्रोएक्टिवली एलिमिनेट करते हुए इन कॉजेस को ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिड्यूस कर सकती है लाइकलीहुड जो है प्रॉब्लम्स की, एरर्स की, या फिर जो डेविएशन है फ्रॉम अकरिंग। डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर मस्ट डिफाइन द रिक्वायरमेंट फॉर, पहला है डिटरमाइनिंग पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटीज एंड देयर कॉजेस। डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स को लाजमी डिफाइन करना चाहिए रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटीज और डिटरमाइन करना उनका उनके कॉजेस, और उसके बाद इवेल्यूएटिंग द नीड फॉर एक्शन टू प्रिवेंट अकरेंस ऑफ नॉन कन्फर्मिटीज। डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स को आउटलाइन भी करना चाहिए जो रिक्वायरमेंट्स है इवेल्यूएट करने की, जो नीड है प्रिवेंटिव एक्शन के लिए कि रोका जाए अकरेंस जो है नॉन कन्फर्मिटीज की। उसके बाद है फिर डिटरमाइनिंग एंड इंश्योरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिवेंटिव एक्शन नीडेड। डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स को डिफाइन करना चाहिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं डिटरमाइन करने के लिए और इंश्योर करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन जो है प्रिवेंटिव एक्शन की, और उसके बाद है रिकॉर्ड रिजल्ट्स ऑफ एक्शन टेकन। ऑर्गेनाइजेशन को लाजमी मेंटेन करना चाहिए रिकॉर्ड जो है प्रिवेंटिव एक्शन जो लिए गए हैं, और उसके बाद है रिव्यूइंग प्रिवेंटिव एक्शन टेकिंग। सो इफेक्टिवनेस जो है प्रिवेंटिव एक्शंस की जो इम्प्लीमेंट किए गए हैं उनको ज़रूरत होती है कि रिव्यू किया जाए, कि इंश्योर किया जाए उनकी ऑन गोइंग सुइटेबिलिटी और इफेक्टिवनेस। सो काइंडली डिफाइंड क्यूएमएस, नो प्रोसेस विदाउट डेटा कलेक्शन। सो डेटा कलेक्शन एक इंटीग्रल पार्ट है किसी भी प्रोसेस का, और उसके बाद है फिर नो डेटा कलेक्शन विदाउट एनालिसिस। जब डेटा कलेक्ट हो जाता है उसको ज़रूरत होती है कि एनालाइज किया जाए ताकि ड्राइव किया जाए मीनिंगफुल इंसाइट और ड्रॉ किया जाए कंक्लूजन। उसके बाद है नो एनालिसिस विदाउट डिसीजंस, पर्पस जो होता है एनालाइज करने का डेटा वो होता है इन्फॉर्म करना डिसीजन मेकिंग,
और उसके बाद नो डिसीजन विदाउट एक्शन। सो जब डिसीजंस जो है वो लिए जाते हैं तो एसेंशियल होता है कि एक्शन लिया जाए ताकि इम्प्लीमेंट किया जाए नेसेसरी चेंजेस या इम्प्रूवमेंट्स। सो विच कैन इंक्लूड्स डूइंग नथिंग। सो अब है हाउ टू क्रिएट टीक्यू। कंट्रोल सिस्टम टेक्निक और जो मेजरमेंट या एनालिसिस टूल्स हैं अनडोटली जो है वो इम्पॉर्टेंट है इंश्योर करने के लिए प्रोडक्ट क्वालिटी और प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। और ये टूल्स जैसे कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल जो है प्रोडक्ट के लिए और स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल के लिए प्रोसेसेस के लिए प्रोवाइड करते हैं वैल्यूबल इंसाइट्स और एनेबल करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि मॉनिटर करें और मैनेज करें क्वालिटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स एफेक्टिवली। सो ISO एंड सॉफ्टवेयर्स। सो व्हाट इज़ आ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है। सॉफ्टवेयर इज़ एन इंडस्ट्री। सॉफ्टवेयर इज़ अ प्रोडक्ट। CMMI Level 1 to 5 एंड CMMI Level 3 इज़ ISO 9001। सो जो फील्ड है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दो पर्सपेक्टिव हैं जिनको कंसिडर किया जाए सॉफ्टवेयर एज एन इंडस्ट्री और सॉफ्टवेयर एज अ प्रोडक्ट। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो इनकम्पेस करती है इंटायर इकोसिस्टम जो है ऑर्गेनाइजेशंस का प्रोफेशनल्स का प्रोसेसेस का जो कि शामिल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन में और सपोर्ट में। दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर एज अ प्रोडक्ट से मुराद स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या सिस्टम जिनको डेवलप किया जाता है और डिलीवर किया जाता है कस्टमर्स को। और जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी और प्रोसेस इंप्रूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन CMMI जो है वो अक्सर यूज़ होता है। और CMMI जो है वो प्रोवाइड करता है कि फ्रेमवर्क असेस करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए जो मेच्योरिटी है ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस की। और इसके अंदर जो है वो 5 लेवल है। लेवल 1 रिप्रेजेंट करता है इनिशियल स्टेट और 5 रिप्रेजेंट करता है हाईएस्ट लेवल जो है मेच्योरिटी का। और CMMI Level 3 को कंसिडर किया जाता है सिग्निफिकेंट क्योंकि ये अलाइन होता है रिक्वायरमेंट्स के साथ ISO 9001 की। नाउ द मेच्योरिटी मॉडल कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन यानी कि CMMI जिसको डेवलप करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफर करता है ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच इम्प्रूव करने के लिए प्रोसेसेस और जो सिस्टम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। और ये प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को विद अ रोड मैप कि एनहेंस किया जाए उनकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस और अचीव किया जाए हायर लेवल ऑफ मेच्योरिटी। सो ISO अ गुड स्टार्ट इन क्वालिटी जर्नी। एक अच्छा स्टार्ट है क्वालिटी जर्नी के अंदर और रे ऑफ होप इन पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन। सो एक इससे मुराद ये कि एक पॉजिटिव और प्रॉमिसिंग डेवलपमेंट या सिचुएशन है पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन में। सो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेच्योरिटी। व्हाट इज योर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। सो यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक लेवल्स हैं। सो पहला जो है वो है डिसफंक्शनल सिस्टम। सो मैनेजमेंट जो है बाय कमांड पुअर वर्कफोर्स कमिटमेंट है और इन्वॉल्वमेंट है। और दूसरा जो अवेकनिंग सिस्टम है यहाँ पर क्रॉस फंक्शनल टीम जो है वो इनिशिएट हो रही है कि वर्क करे साइकिल टाइम रिडक्शन के ऊपर। और Level 3 है डेवलपिंग सिस्टम। सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट होते हैं कि प्रोवाइड करें डेटा जो है परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए और इम्प्रूवमेंट के लिए। मेच्योरिंग सिस्टम है चौथा कि एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस इंस्टीट्यूट होता है। और Level 5 है वर्ल्ड क्लास सिस्टम। तमाम एम्प्लॉयज़ जो है वो हाईली मोटिवेटेड होते हैं इन्वॉल्व होते हैं और एम्पावर्ड होते हैं। और यहाँ पर जो है Level 1 में वो है कि कस्टमर फ्रीक्वेंटली जो है वो उनको मिलती है पुअर क्वालिटी और डिलीवरी। और Level 2 के अंदर ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो रहती है नीचे इंडस्ट्री नॉर्म से। और Level 3 ये कि ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो इक्वल है इंडस्ट्री नॉर्म्स के। और मेच्योरिंग में परफॉर्मेंस जो है वो अबव है इंडस्ट्री नॉर्म के। और वर्ल्ड क्लास सिस्टम के अंदर परफॉर्मेंस जो है वो वर्ल्ड क्लास है। और यहाँ पर Level 1 में जो है इकोनॉमी ऑफ स्केल फोकस विद लॉन्ग रन प्रेफर्ड। और Level 2 के अंदर क्वालिटी स्टीयरिंग कमेटी जो है वो फॉर्म हो चुकी है। क्वालिटी सिस्टम जो है वो असेस होते हैं। क्वालिटी इनिशिएटिव्स प्लान होते हैं। Level 3 के अंदर टेस्टेड प्रैक्टिसेस जो है वो डिप्लॉयड होती हैं तमाम मेजर एरियाज में फैक्ट्रीज की। और कस्टमर इन्वॉल्वमेंट जो है वो सॉर्ट होती है। Level 4 के अंदर सीक आउट और एंड लर्न अबाउट बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखा जाता है यानी कि बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में कस्टमर सप्लायर्स और एम्प्लॉयज इंटीग्रेट होते हैं सिस्टम के अंदर। और Level 5 जो है वो रिटेनिंग करना सेटिस्फाई कस्टमर्स को वो जो है की है। Lecture number 29 इसमें सबसे पहले है 10 steps to ISO registration। पहला है
सेट करना रजिस्ट्रेशन ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सिलेक्ट करना अप्रोप्राइट स्टैंडर्ड, तीसरा है डेवलप करना और इम्प्लीमेंट करना क्वालिटी एमएस, और उसके बाद है कि सिलेक्ट करना एक थर्ड पार्टी रजिस्ट्रार और अप्लाई करना, उसके बाद है परफॉर्म करना सेल्फ एनालिसिस ऑडिट, उसके बाद है सबमिट क्वालिटी मैनुअल अप्रूवल के लिए, उसके बाद है प्री असेसमेंट बाय रजिस्ट्रार, उसके बाद है टेक करेक्टिव एक्शन, इनके करेक्टिव एक्शंस लेना, और उसके बाद है फाइनल असेसमेंट बाय रजिस्ट्रार, और आखिर में है फिर रजिस्ट्रेशन। सो बेनिफिट्स ऑफ इंस्टॉलिंग QMS। सो पहला जो बेनिफिट है यहाँ पर, इससे मुराद ये कि क्रिएट करना एक एनवायरनमेंट और प्रोवाइड करना रिसोर्सेज, टूल्स और ट्रेनिंग जो कि एनेबल करें एम्प्लॉय को कि वो सक्सेसफुली कंप्लीट करें उनका जो वर्क है बगैर किसी एरर के या फिर रीवर्क के। और दूसरा जो पॉइंट है इसमें क्या होता है कि इस्टेब्लिश करना प्रोसेस और सिस्टम ताकि क्रिएट किया जाए, सॉरी कैप्चर किया जाए और रिकॉर्ड किया जाए ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज और लेसन जो कि लर्न किए गए एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज वे में। जो थर्ड पॉइंट है उसका मतलब ये है कि टेंजिबल प्रूफ का होना या डॉक्यूमेंटेशन जो कि शोकेस करे कि हाई स्टैंडर्ड जो है, शोकेस इस बात को करे कि जो हाई स्टैंडर्ड है ऑर्गेनाइजेशन की ऑफरिंग का उसको शोकेस करे। और जो चौथा जो पॉइंट है इसमें क्या है कि क्लियरली डिफाइन करना और कम्युनिकेट करना रोल्स, टास्क और एक्सपेक्टेशन जो है एम्प्लॉयज़ की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और उसके बाद जो पॉइंट है इम्प्लीमेंट करना ISO 9000 सिस्टम जो है वो बना सकता है एक्सपोर्ट मार्केटिंग को ईजियर, क्योंकि कुछ फॉरेन बायर्स जो है वो वैल्यू देते हैं और प्रायोरिटाइज भी करते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जिनके पास ISO 9000 सर्टिफिकेशन होती है। और सिक्स पॉइंट ये कि कंटिन्यूसली सेटिस्फाई करते हुए कस्टमर नीड्स को कंपनी जो है वो सिक्योर कर सकती है ग्रेटर कस्टमर लॉयलिटी। और उसके बाद सेवन पॉइंट ये कि इम्प्लीमेंट करना ISO 9000 सिस्टम इंश्योर करता है कि कंपनी के कस्टमर जो है वो रिसीव करेंगे प्रोडक्ट या सर्विस जो एक नॉन लेवल ऑफ क्वालिटी की। और एट पॉइंट ये कि ISO 9000 सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है कस्टमर को विद अ मीन्स of choosing between competing suppliers। so हासिल करते हुए ISO 9000 सर्टिफिकेशन कंपनी जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करती है उसकी जो कमिटमेंट है क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ और एडहेयर होना जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज स्टैंडर्ड्स हैं। सो रीजन्स फॉर अटेनिंग ISO 9000 रजिस्ट्रेशन, तो क्या रीजन्स हैं इसमें, कस्टमर डिमांड या एक्सपेक्टेशन 27.4% है, क्वालिटी बेनिफिट 21.8% है, मार्केट एडवांटेज 15.6% है। सो अगर कस्टमर डिमांड या एक्सपेक्टेशन की बात करें जो कि 27.4% है, तो कस्टमर प्ले करते हैं सिग्निफिकेंट रोल इन ड्राइविंग द अडॉप्शन ऑफ ISO 9000 सर्टिफिकेशन। और उनकी जो डिमांड और एक्सपेक्टेशन है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए और सर्विसेज के लिए इनकरेज करती है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो परस्यू करें ISO 9000 सर्टिफिकेशन ताकि पूरा करें कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। और क्वालिटी बेनिफिट 21.8%। सो ऑर्गेनाइजेशन रिकग्नाइज करती हैं क्वालिटी बेनिफिट जो कि आता है ISO 9000 सर्टिफिकेशन के साथ। और उसके बाद मार्केट एडवांटेज 15.6%। हासिल करना ISO 9000 सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन को एक मार्केट एडवांटेज। और उसके बाद फिर रिक्वायरमेंट ऑफ EU रेगुलेशन 9.0%। कुछ ऑर्गेनाइजेशन परस्यू करती हैं ISO 9000 सर्टिफिकेशन ताकि फुलफिल करें यूरोपियन यूनियन की रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट्स को। सो बैरियर्स इन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, अब कुछ बैरियर्स आते हैं जिनमें पहला ये कि प्रोडक्ट प्रोसीजर क्रिएशन उसकी जो परसेंटेज है वो 19.7% है, डॉक्यूमेंटेशन डेवलपमेंट 18.7% है और लैक ऑफ मैनेजमेंट कमिटमेंट 9.5% है, नॉट फॉलोइंग सेट प्रोसीजर यानी कि फॉलो ना करना ये है 8.1%, एम्प्लॉय रेजिस्टेंस मुखालफत होना वो है 7.9%, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट ये है 4.4%, और इम्प्लीमेंटेशन होना करेक्टिव एक्शन की 3.5% है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ये है 3.4%, कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट ये है 3.2%, और रजिस्ट्रार सिलेक्शन 0.3%। सो काइंडली डिफाइन क्वालिटी, सो डिफरेंट
ज्योग्राफिकल एरियाज़ के लोग डिफरेंटली डिफाइन करते हैं। सो अमेरिकन्स की बात की जाए, सो अमेरिकन्स का फोकस होता है वैल्यू रिसीव्ड ऑन दी डॉलर स्पेंड। ये प्रायोरिटाइज करते हैं कि ज़्यादा जो है वो हासिल करें, गेट मोस्ट आउट ऑफ देयर मनी एंड सीक प्रोडक्ट और सर्विस जो कि ऑफर करे एक फेवरेबल बैलेंस कॉस्ट और बेनिफिट्स के दरमियान। और यूरोपियन का जो एम्फेसाइज है वो होता है क्वालिटी इंजीनियर्ड इन टू दी गुड्स, यानी कि ये वैल्यू देते हैं प्रोडक्ट्स को जो कि वेल डिज़ाइन हो, रिलायबल हो, बिल्ड हो हाई स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, इंश्योर करे ड्यूरेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन। और जैपनीज जो है एम्फेसाइज करते हैं मोस्ट इकोनॉमिकल, यूजफुल, ऑलवेज सेटिस्फैक्ट्री टू द कंज्यूमर कस्टमर। ये प्रायोरिटाइज करते हैं प्रोडक्ट्स जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो, प्रैक्टिकल और कंसिस्टेंटली मीट करें या एक्सीड करें कस्टमर एक्सपेक्टेशन और इंश्योर करें ऑनगोइंग सेटिस्फैक्शन। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए, सो एक ग्रोइंग रियलाइजेशन है, सो इम्पोर्टेंट है कि डिफाइन किया जाए और प्रायोरिटाइज किया जाए क्वालिटी। एक सिंपल डेफिनेशन जो कि रेजोनेट करे पाकिस्तान के साथ वो हो सकती है कि डूइंग थिंग्स राइट द फर्स्ट टाइम इज चीपर देन करेक्टिंग एरर्स। हाईलाइट करता है ये कि जो सिग्निफिकेंस है इंश्योर करने की कि टास्क को कैरी आउट किया जाए करेक्टली बिगनिंग से ही, क्योंकि ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है कि रोका जाए एरर्स को या डिफेक्ट को, ना कि ये कि उनको बाद में रेक्टिफाई किया जाए। लेक्चर नंबर 30, इसमें सबसे पहले है हाउ टू डू डैट। सो हाउ टू क्रिएट बिजनेस एक्सीलेंस, किस तरीके से क्रिएट किया जाए बिजनेस एक्सीलेंस। सो तीन चीज़ें हैं इसमें, स्ट्रेटजिक एक्सीलेंस, टेक्निकल एक्सीलेंस और ऑपरेशनल एक्सीलेंस। स्ट्रेटजिक एक्सीलेंस, इससे मुराद एबिलिटी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की के फॉर्मुलेट करे और एग्जीक्यूट करे इफेक्टिव स्ट्रेटजीज जो कि अलाइन हो उसके गोल्स के साथ और विजन के साथ। और उसके बाद है टेक्टिकल एक्सीलेंस। टेक्टिकल एक्सेलेंस का फोकस होता है इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, स्ट्रेटजीज टेक्टिकल लेवल के ऊपर। और ऑपरेशनल एक्सेलेंस है ये जो रिलेट करती है एफिशिएंट और इफेक्टिव एग्जीक्यूशन से डे टू डे ऑपरेशंस की। और उसके बाद फिर डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटीज, ऑफ फोर लेवल हैं इसमें। पहला है इंस्पेक्शन, पहला लेवल है ये फोर लेवल मॉडल का इंस्पेक्शन। और इसमें क्या होता है कि किया जाता है इंस्पेक्शन या चेक जो है प्रोडक्ट्स के ऊपर, प्रोसेसेस के ऊपर या सर्विस के ऊपर, इसके बाद के जब वो कंप्लीट हो चुकी हैं या फिर इवेंट्स जो है वो हो चुके हैं। और क्वालिटी कंट्रोल है सेकंड जो लेवल है, और क्वालिटी कंट्रोल जो है वो बियॉन्ड है इंस्पेक्शन के। और इसमें शामिल है इंट्रोडक्शन जो है बेसिक सिस्टम का मैनेज करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए क्वालिटी जो है प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की थ्रू आउट द प्रोडक्शन या फिर सर्विस डिलीवरी प्रोसेस। उसके बाद है फिर क्वालिटी एश्योरेंस जो कि तीसरा लेवल है। इसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट होती है और इम्प्लीमेंटेशन होती है सिस्टम्स की, प्रोसेसेस की और मेथडोलॉजीज की, ताकि प्रिवेंट किया जाए डिफेक्ट्स या नॉन कन्फर्मिटीज होने से, उनको प्रिवेंट किया जाए डिफेक्ट्स को या फिर नॉन कन्फर्मिटीज को फ्रॉम अकरिंग इन द फर्स्ट प्लेस। और उसके बाद है फिर इनपुट होता है, प्रोसेसेस होते हैं और आउटपुट आता है। और उसके बाद है फिर फोर्थ लेवल। अब जो फोर्थ लेवल है ये है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का फोकस होता है डेवलपमेंट के ऊपर एक क्वालिटी ओरिएंटेड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और ये रिकग्नाइज करता है कि क्वालिटी जो है वो सिर्फ कुछ लोगों की जिम्मेदारी नहीं है या फिर किसी एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये एक शेयर्ड कमिटमेंट है तमाम तमाम एम्प्लॉयज़ की, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबकी। सो पीपल हैं, प्रोसेस हैं और परफॉर्मेंस है। सो हाउ टू क्रिएट बिजनेस एक्सीलेंस इन पाकिस्तान। बिजनेस एक्सीलेंस और परफॉर्मेंस एक्सीलेंस इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट हैं जिनका एम है अचीव करना हाई लेवल परफॉर्मेंस और सक्सेस। सो इससे पहले कि हम डाइव करें स्टडी के अंदर किसी भी परफॉर्मेंस फ्रेमवर्क की, एसेंशियल होता है मैनेजर्स के लिए पाकिस्तान में कि वो खुद से पूछें एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस का एम होता है कि प्रोवाइड करें वैल्यूबल इंसाइट्स और गाइडेंस इफेक्टिवली मैनेज करने में उनकी ऑर्गेनाइजेशन। सो क्वेश्चंस टू हेल्प मैनेजर, क्वेश्चंस जो हेल्प करते हैं मैनेजर्स को। सो पहला ये कि डू यू हैव स्टेबल प्रोसेसेस और सिस्टम। ये क्वेश्चन असेस करता है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के पास वेल स्टेब्लिश और रिलायबल प्रोसेसेस हैं या फिर सिस्टम्स हैं। उसके बाद है डू यू हैव टीम वर्किंग ऑन क्वालिटी एंड मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट टास्क।
ये क्वेश्चन जो है इसका फोकस होता है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन ने के पास डेडिकेटेड टीम है जो कि एक्टिवली इंगेज है क्वालिटी में और मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव्स में। और उसके बाद हैज़ योर कंपनी स्टेब्लिश अ कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस। ये क्वेश्चन एड्रेस करता है क्लैरिटी और जो स्टेबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की विजन की और मिशन की। और उसके बाद है फिर कि व्हाट डू यू नो अबाउट दी प्रॉब्लम्स ऑफ योर कस्टमर्स। ये क्वेश्चन हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस जो अंडरस्टैंडिंग की आपके कस्टमर की पेन पॉइंट्स की चैलेंजेस की और नीड्स की। और उसके बाद है फिर कि डू योर कस्टमर थिंक योर प्रोडक्ट और सर्विस लाइफ अप टू देयर एक्सपेक्टेशन। ये क्वेश्चन एम्फेसाइज करता है जो सिग्निफिकेंस है पूरा करने की एक्सीड करने की कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस। और उसके बाद है डू सप्लायर प्रोवाइड यू विद डेटा कंसर्निंग देयर प्रोडक्ट और सर्विस। ये क्वेश्चन रिलेट करता है अवेलेबिलिटी के साथ और जो क्वालिटी है इन्फॉर्मेशन की जिसको प्रोवाइड किया सप्लायर ने। और उसके बाद है फिर कि व्हाट आर यू डूइंग टू मेक क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी एवरीवन्स जॉब। और ये क्वेश्चन एम्फेसाइज करता है इंपॉर्टेंस के ऊपर के फोस्टर करना एक कल्चर ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ कल्चर को फोस्टर करना और प्रोडक्टिविटी को थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें जो है वो क्या होता है कि क्रिएट करना अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉयज के दरमियान के क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी जो है वो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एक खास डिपार्टमेंट की, यानी किसी खास डिपार्टमेंट की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बल्कि वो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी। और उसके बाद है व्हाट आर यू डूइंग टू ट्रेन न्यू एम्प्लॉयज, यानी कि ये क्वेश्चन जो है इसका फोकस है ट्रेनिंग के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर न्यू एम्प्लॉयज की। और जो नाइन क्वेश्चन है वो है कि डू यू एनकरेज सेल्फ इम्प्रूवमेंट ऑफ योर पीपल। इसका फोकस ये है कि ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट जो है पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए उसकी एम्प्लॉयज़ की। और उसके बाद है डू यू हैव एन एजुकेशनल प्रोग्राम विद इन द कंपनी। ये क्वेश्चन एक्सप्लोर करता है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के पास एक एजुकेशनल प्लान है कि सपोर्ट करें एम्प्लॉय लर्निंग और डेवलपमेंट। और उसके बाद है डू यू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू योर एम्प्लॉय अबाउट कोर्सेज इन लोकल स्कूल्स। ये क्वेश्चन एड्रेस करता है ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स के रखा जाए एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म उनकी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जो कि अवेलेबल हैं लोकल स्कूल्स में या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर आपको MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 23 से लेकर 30 तक करवाए गए। आपको अगर इस बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट्स कीजिए और ये स्लाइड्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।